बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने जो सर्कल का जो एरिया था उसमें ब्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने सीखा था। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3। इसमें हम सीखेंगे कि हम हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक्स इन ट्रायंगल शेप वॉल। कोई भी ट्रायंगल शेप में दीवार हमारे पास हो तो उसकी हम ब्रिक्स कैसे निकाल लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक इस तरह है। तो इसमें हमारे पास है एक दीवार है, ठीक है, ट्रायंगल शेप में। दीवार की जो हमारी है विड्थ है ये 20 फुट है और इसकी जो हाइट है दीवार की ये हमारे पास है 25 फिट, ठीक है। दीवार की थिकनेस हम ले लेते हैं थिकनेस ऑफ वॉल हम ले लेते हैं 9 इंच की दीवार है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो 9 इंच को हम फुटों में पहले कन्वर्ट करके रख लेते हैं। 9 डिवाइड बाई 12 = 0.75, ये फिटों में आ गया, ये बाद में फार्मूले में हो जाएगा। तो फार्मूला हमें यह भी पता है कि एक CFT में 1 CFT में 13.5 नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज़ होते हैं, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था। अब यहाँ पे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इसका फार्मूला है बेस ज़रब हाइट ओवर 2। बेस हमारे पास है ये, हाइट हमारे पास 25 फुट है और ओवर 2 फार्मूला लगाएंगे। 20 × 25 / 2, ठीक है। इसका हम निकाल लेते हैं 20 × 25, ठीक है, डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास आ गया 250 CFT आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि एक CFT में 13.5 ब्रिक्स यूज़ हो रहे हैं तो हम 250 × 13.5 लगा लेते हैं। 250 × 13.5, ये हमारे पास आ गया 3375 नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, मतलब कि 20 फुट और 25 फुट की हाइट है, 20 फुट बेस है, 25 फुट उसकी हाइट है। इसमें हमारे 3375 नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 3। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे फिर हाजिर हो जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस है वो फिर आप तक आसानी पहुँच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।